अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज मैं आप लोगों के साथ एजुकेशन का पास्ट पेपर शेयर करने लगी हूँ। मुल्तान बोर्ड का ये पेपर है, तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तालीमी पॉलिसी में एक जैसा यूनिफॉर्म लाजमी करार दिया गया 1979 को। तालीमी कॉन्फ्रेंस 1947 में ज़्यादा अहमियत दी गई दीनी तालीम को। साल 2004 के अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में प्राइमरी स्तर पर तालीम में शमूलियत की शरह 83%। बच्चे की तालीम का अवलीन गहवारा है घर। पाकिस्तान में आबादी की सालाना शरह अजाफा डैश के करीब है 2.1% के करीब। पाकिस्तान में आबादी का डैश खत गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजारता है 35%। हर सूबे में दरसी कतब की फ्राहमी के लिए डैश का क्याम अमल में लाया गया। टेक्स्ट बुक बोर्ड बैंकिंग रेजोल्यूशन मंजूर हुई 1835 में। फ़नी तालीमी बोर्ड का दायरा कार है पूरे सूबा तक। अशाती इदारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की हैसियत है प्राइवेट। इमाम गजाली के नज़दीक तालीम का अहम मकसद है मार्फत इलाही। बरसगीर में मुसलमानों की आला तालीम का ज़रिया तदरीस था अरबी। अशफ़ा तसनीफ़ है इबन सीना की। उस्ताद के पढ़ाए गए सबक दोहराने वाले को कहते हैं मुईद। इंजीनियरिंग कॉलेज रेड की का क्याम अमल में आया 1847 में। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन का ओहदा कायम करने की सिफारिश की चार्लिस वुड ने। सार्जेंट रिपोर्ट में हाई स्कूल तजवीज़ किए गए दो। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्याम अमल में आया 1906 में। अलामा मोहम्मद इकबाल के नज़दीक मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद है दीन। कायद आज़म के फरमान के मुताबिक डैश को मकासद तालीम की बुनियाद बनाया गया इस्लामी नज़रिया हयात को। सफ़ा का मुख्तसर तारुफ़ पेश करें। इमाम गजाली ने आलूम को कितने हिस्सों में तकसीम किया। अलामा ज़रनूजी मुतालिया में इतदाल के बारे में क्या कहते हैं। बरसग़ीर में मुसलमानों को आला तालीम का निसाब क्या था। मुईद किसे कहते हैं। बरसग़ीर में मुस्लिम दौर की दरसगाहों की इकसाम। ईस्ट इंडिया कंपनी की बरसग़ीर पर हुकूमत कब तक कायम रही। चार्ल्स ग्रांट की हिंदुस्तानी निज़ाम तालीम के बारे में क्या राय थी। बरसग़ीर में बरतानवी निज़ाम तालीम के दो मकासद। बरतानवी सेकुलर पॉलिसी से क्या मुराद है। बरतानवी निसाब में साइंस के मज़मून की क्या नौईयत थी। बरतानवी निज़ाम इम्तिहान की दो खसूसियात। मदरसा दियोबंद का मुख्तसर तारुफ़। तहरीक दियोबंद की तसनीफ़ी खिदमात। तहरीक दियोबंद के दो मशहूर उलमा के नाम। सर सैयद अहमद ख़ान की कोई सी दो तालीमी खिदमात। मदरसा दियोबंद के पहले सरबराह और पहले शागिर्द का नाम। हज़रत शाह वलीउल्लाह पर मुख्तसर नोट। तालीमी पॉलिसी की अहमियत पर मुख्तसर नोट। तालीमी पॉलिसी 1998 से 2010 के मुताबिक तालीम के दो मकासद। तालीमी कॉन्फ्रेंस 1947 में असाजा की तरबियत के लिए क्या सिफारशात दी गई। नेशनल बुक फाउंडेशन पर मुख्तसर नोट। तालीमी पॉलिसी 1992 में इम्तिहानात के बारे में क्या तजवीज़ किया गया। ओपन यूनिवर्सिटी के क्याम का मकसद। क्वेश्चन नंबर 4 है ख्वांदगी की तारीफ। औरतों के दो बुनियादी हकूक। मेयार तालीम बेहतर करने के लिए दो तजवीज़। तालीमी सरमायाकारी। टेक्स्ट बुक बोर्ड की दो जिम्मेदारियाँ। एग्जीटो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर खवंदगी के दो फ़राइज़। स्टाफ डेवलपमेंट की वजाहत। तालीम सब के लिए के मुतालिक हुकूमत का नुक्ता नज़र। माशरे में नज़्म व ज़ब्त क्यों ज़रूरी है। DCO किन अल्फाज का मुखफ़िफ़ है। पाकिस्तान में वफाकी सतह पर तदवीन निसाब कौन सा महकमा करता है। सूबाई ब्यूरो तदवीन निसाब के दो अहम अहदे कौन से हैं। मियार तालीम से क्या मुराद है। और लॉन्ग क्वेश्चन वाला हिस्सा है बरसग़ीर में मुसलमानों के कोई से पांच मकासद तालीम पर रोशनी डालें। तहरीक दियोबंद की खसूसियात। कौमी तालीमी सेक्शन 1959 के अहम सिफारशात। तालीमी इदारों में नज़्म और नस्क की कमी की वजूहत। ज़िला स्तर पर तालीमी इंतज़ाम की वजाहत। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।